हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिविल कुमार। आज की वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू फाइंड क्वांटिटी ऑफ सीमेंट सैंड एग्रीगेट एंड वाटर फॉर 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम। मतलब 1 मीटर वॉल्यूम में हमें कंक्रीट में 1 मीटर वॉल्यूम के कंक्रीट में हमें कितना सीमेंट, कितना सैंड एग्रीगेट एंड वाटर लगेगा फॉर M20 ग्रेड कॉन्क्रीट के लिए, वो आज की वीडियो में हम देखेंगे। जबकि जब भी हम दोस्तों एज अ साइट इंजीनियर के इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो इंटरव्यूअर हमें यह क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा कि आप प्रीवियस साइट पर काम कर रहे थे, वहाँ कौन सा ग्रेड का कंक्रीट यूज़ करते थे और 1 मीटर क्यूब में आपका कितना सीमेंट सैंड एग्रीगेट एंड वाटर कंज्यूम होता था। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने पे हमें नॉर्मली 1 मीटर क्यूब में हमारा एज़ पर रेशियो, एज़ पर ग्रेड कितना सीमेंट सैंड एग्रीगेट वाटर कंज्यूम होगा, वो आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा नॉर्मली यहाँ पर एक रेशियो यहाँ पे मेंशन किया है, रेशियो ऑफ M20 ग्रेड। सो M20 ग्रेड का रेशियो क्या है, 1:1.5:3। सो आपको इंटरव्यूअर आपको जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपको इंटरव्यूअर सामने से ये पूछ सकता है कि आपके साइट पे कौन सा रेशियो यूज़ करते थे। तो सपोज हमने यहाँ पे एज्यूम किया M20, सपोज आपको M25 या M15 का भी पूछ सकते हैं। सो M15, M20 या M25 रेशियो का 1 मीटर क्यूब में कितना क्वांटिटी में सीमेंट सैंड एग्रीगेट कंज्यूम होता है, वो हम किस तरह से निकालते हैं, ये हम आगे के वीडियो में अभी जस्ट देखेंगे। सो फॉर सीमेंट, सो M20 का रेशियो क्या है, 1:1.5:3। सो 1 पार्ट हमारा सीमेंट, 1.5 हमारा सैंड एंड 3 मतलब हमारा सैंड। सो फॉर सीमेंट के लिए हम पहले निकालेंगे, सीमेंट इज इक्वल टू 1। सो 1 पार्ट हमारा जो है 1 डिवाइड बाय ये तीनों का सम, मतलब 1 1.5 प्लस 3, ये तीनों का सम मल्टीप्लाई बाय 1.54। अभी ये 1.54 क्या हो गया, हमारा ड्राई वॉल्यूम 54% हम कंसिडर करते हैं फॉर कॉन्क्रीट के लिए। जो नॉर्मली हमारा वॉल्यूम रहता है, जो हम क्वांटिटी मतलब शटरिंग का क्वांटिटी निकालते हैं L×B×H, उसे हम वेट वॉल्यूम बोलते हैं। सो उस वेट वॉल्यूम को हम मल्टीप्लाई बाय 1.54 करेंगे, सो उसे हम ड्राई वॉल्यूम कहते हैं। सो हम मल्टीप्लाई बाय 1.54 करेंगे, सो हमें ये वॉल्यूम कितना निकल के आया सीमेंट का, 0.28 मीटर क्यूब। सो ये मीटर क्यूब में आ गया। सो हमें इसे केजी में कन्वर्ट करना है। सो केजी में कन्वर्ट करने के लिए सीमेंट का डेंसिटी क्या रहता है, 1440। सो हम इस वॉल्यूम को 0.28 को 1440 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो हमें सीमेंट का क्वांटिटी केजी में आएगा। सो सीमेंट का क्वांटिटी कितना है केजी में, 403.2 केजी। अभी ये 403.2 केजी में आ गया। सो सीमेंट का एक नंबर ऑफ बैग्स कितने का रहता है केजी का, 50 केजी का रहता है। सो इस केजी को हम डिवाइड बाय 50 केजी करेंगे, सो हमें नंबर ऑफ बैग्स फाइंड आउट मतलब हो जाएगा। सो हमें नंबर ऑफ बैग्स मिल जाएगा। सो 403.2 केजी डिवाइड बाई 50 करेंगे, सो नंबर ऑफ बैग्स मतलब 8 नंबर ऑफ बैग हमें कंज्यूम होगा 1 मीटर क्यूब में। मतलब हमारा 1 मीटर वॉल्यूम में, वॉल्यूम के कंक्रीट में हमारा 8 नंबर्स ऑफ बैग्स सीमेंट कंज्यूम होगा। सो उसी सीमेंट को हम क्यूबिक फीट में कन्वर्ट करेंगे। सो जो हमारा वॉल्यूम आया 0.28 मीटर क्यूब, उसको हम 35.32। अभी 35.32 कहाँ से आया कि जैसे कि अब ये क्यूबिक मीटर को हम क्यूबिक फीट में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 35.32 करते हैं। सो 35.32 से हम मल्टीप्लाई करेंगे क्यूबिक मीटर को, सो हमें क्यूबिक फीट में हमारा सीमेंट का क्वांटिटी आ जाएगा 9.88 क्यूबिक फीट। सो नॉर्मली जब भी आप इंटरव्यू में इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, सो आप इस तरह से बताना होगा कि 1 मीटर क्यूब में 8 नंबर्स ऑफ बैग्स सीमेंट हमारा साइट पर कंज्यूम होता था फॉर M20 ग्रेड कॉन्क्रीट के लिए। उसी तरह से आप सैंड का भी बता सकते हैं। तो सैंड का भी कैलकुलेशन आप देख सकते हैं, ये है सैंड, सैंड का आप देख सकते हैं। अभी सैंड का सेकेंड पार्ट क्या है हमारा, 1.5 है ना हमारा। सो 1.5 डिवाइड बाय सम ऑफ 3 ग्रेड्स, मतलब 1 प्लस 1.5 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय, सेम प्रोसीजर हमें फॉलो करना है, 1.54 ड्राई वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे। सो हमारा सैंड का कितना आया वॉल्यूम, ड्राई वॉल्यूम 0.42। सो इस क्यूबिक मीटर को हम क्यूबिक फीट में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा क्यूबिक फीट में कितना आएगा, मल्टीप्लाई बाय 35.32। जैसा कि हमने सीमेंट में किया उसी तरह से हमारा सेम हमें प्रोसीजर फॉलो करना है। सो क्यूबिक फीट में हमारा 14.83 क्यूबिक फीट सैंड कंज्यूम होगा। उसी तरह से मतलब हमारा सेम प्रोसेस, 1 मीटर क्यूब में हमारा कितना सैंड कंज्यूम होगा, 0.42 मीटर क्यूब और 14.83 क्यूबिक फीट। उसी तरह से हम एग्रीगेट का भी फाइंड आउट करते हैं। अब देख सकते हैं एग्रीगेट का, अभी एग्रीगेट का रेशियो क्या था लास्ट में, 3 पार्ट, एग्रीगेट का पार्ट क्या था, 3। सो 3 लिखा हमने यहाँ पे ऊपर, डिवाइड बाय 1 प्लस 1.5 प्लस 3, तीनों का सम मल्टीप्लाई बाय ड्राई वॉल्यूम 1.54। सो एग्रीगेट का कितना आया क्वांटिटी मीटर क्यूब में, 0.84 मीटर क्यूब। उसी तरह से क्यूबिक फीट में हम उसे कन्वर्ट करेंगे, 0.84 मल्टीप्लाई बाय 35.32। सो क्यूबिक फीट में भी ये इतना आया। सो 1 मीटर क्यूब में हमारा कितना एग्रीगेट कंज्यूम होता है, 0.84 मीटर क्यूब और 29.66 क्यूबिक फीट। सो नॉर्मली हमने 1 मीटर क्यूब में सीमेंट कितना कंज्यूम होता है, 8 नंबर ऑफ बैग्स, और सैंड कितना होता है हमारा, 0.42 मीटर क्यूब और एग्रीगेट होता है 0.84 मीटर क्यूब। तो उसी तरह से हम
वाटर का भी क्वांटिटी निकालेंगे कि 1 मीटर क्यूब, मतलब 1 मीटर क्यूब में हमारा कितना वाटर कंज्यूम होगा। सो एज्यूम डब्ल्यू सी रेशियो हमें एज पर आर सी सी कंसल्टेंट से हम कंसिडर करेंगे, तो नॉर्मली एज पर आर सी सी वाटर यहाँ पे हमने एज्यूम किया है कि वाटर सीमेंट रेशियो यहाँ पे मेंशन है 0.50। सो वाटर सीमेंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय वेट ऑफ सीमेंट इज इक्वल टू 0.50। सो वाटर हमें फाइंड आउट करना है, हमारे पास सीमेंट का क्वांटिटी कितना आया था केजी में, 403.2, जैसे कि हमने ऊपर में देखा, आप देख सकते हैं 403 हमारा सीमेंट का क्वांटिटी आया था। सो आप देख सकते हैं वाटर डिवाइड बाय सीमेंट का वेट केजी में 403.2 मल्टीप्लाई बाय वाटर सीमेंट रेशियो 0.50। सो ये हम 403.2 को 0.50 वाटर सीमेंट रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वाटर का क्वांटिटी मिल जाएगा। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे वाटर को हम वाटर इज इक्वल टू 403.2 मल्टीप्लाई बाय 0.50, तो वाटर इज इक्वल टू 201.6 केजी इज इक्वल टू लीटर। मतलब अभी 1 केजी में आया, मतलब 1 केजी इज इक्वल टू 1 लीटर। नॉर्मली यूनिट कन्वर्जन में आप देख सकते हैं 1 केजी इज इक्वल टू 1 लीटर, मतलब 201.6 केजी हमें वाटर लगेगा। तो 1 केजी मतलब 201.6 लीटर हमें वाटर 1 मीटर क्यूब में लगेगा। सो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। सो थैंक यू।